नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। सूबे के हर एक कोने में राजनीतिक सुगबुगाहट रफ्तार पकड़ती जा रही है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने और पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठक करेंगे और इन बैठकों में विधायक और सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को तक शामिल होंगे, जिसमें चुनावी रणनीतियां बनाई जाएंगी और विपक्ष को कैसे विपक्ष में ही रखा जाए इसके लिए भी हर तरह की प्लानिंग की जाएगी। बता दें कि पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि नड्डा 8 अगस्त को आगरा में कोरोना योद्धाओं को और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। आमतौर पर अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा कहा जाता है। इस बैठक के पीछे की वजह है कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर विपक्षी दल काफी वक्त से केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल मई महीने में प्रबंधन में विफल रहे। हालांकि राज्य सरकार का यह दावा करती रही कि उन्होंने इस चुनौती का मजबूती से सामना किया और इस संकट की घड़ी में समाधान निकालकर देश में सबसे आगे रहने वाला राज्य बना। इन सब मुद्दों को लेकर विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए नड्डा शनिवार को लखनऊ में ब्लॉक और जिला पंचायत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और महामंत्री सुनील बंसल समेत सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। मई संबोधन के बाद जेपी नड्डा 1:15 पर यानी कि दोपहर में 1:15 बजे यही विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा दोपहर 3:30 बजे लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। शाम को नड्डा प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी सरकार के मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके बाद वो रात को लखनऊ में ही रुकेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि वो पार्टी के विधायकों, सांसद और केंद्रीय मंत्री और भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चुनावी तैयारियों पर मंथन भी करेंगे। तो इसी तरह से नड्डा के 2 दिवसीय दौरे पर क्रमवश फ्लो चार्ट के रूप में सभी मीटिंग और संबोधन को आयोजित करते हुए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जीतने का एक नया हौसला भरेंगे, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष की चिंता तो जरूर बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।